साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री ने किया उमराह करने का फैसला, अनभक्त करने लगे ट्रोल, मिला मुंहतोड़ जवाब। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस अंजना गलरानी ने मक्का जाने का फैसला किया। वो पहली बार उमराह करने पहुंची। उन्होंने इससे जुड़ा एक पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है। पोस्ट में उन्हें हिजाब पहने देखा जा सकता है और वो अपनी उमराह को लेकर एक्साइटमेंट बयां कर रही हैं। संजना का हिजाब पहनना और मक्का जाना कुछ नेटिजन्स को एक आंख नहीं भा रहा है। कई लोग उनके हिंदू से मुसलमान बनने से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर एक यूजर ने कहा, इसका मतलब आपका अंत भी सूटकेस में होने वाला है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं क्योंकि आपके जैसे लोगों की वजह से हमारे समाज को बदनामी झेलनी पड़ती है। एक ने लिखा, मुबारक हो हमारे मुल्क के लिए दुआ करना, साथ ही मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, बहुत मुबारक हो आपको, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। संजना गलरानी जो एक हिंदू परिवार में पैदा हुई है, दीन इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अजीज पाशा नाम के एक डॉक्टर से शादी कर ली। संजना इसके बाद से ही लोगों के निशाने पर रही है। शादी के 3 साल बाद संजना ने पहली बार हिजाब पहने अपनी झलक दिखाई है। संजना ने वीडियो पोस्ट के साथ एक लंबा नोट भी लिखा है। संजना गलरानी ने लिखा, मुझे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मैं पहली बार आध्यात्मिक जर्नी पर मक्का और मदीना जा रही हूँ, जहाँ मैं उमराह करूँगी। मेरे पति अजीज पाशा, मेरे बेटे अलारिक पाशा और मेरे भतीजों के साथ। मैं जब 3 साल पहले कुछ मुश्किलों में घिरी हुई थी, तब मैंने इस धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ी थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर मेरी तमाम मुश्किलों को आप दूर कर देंगे तो शौहर के साथ सबसे पहले आपके घर का दीदार करूंगी। संजना गलरानी ने आगे लिखा, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मैं कोई विदेश यात्रा करूं तो सबसे पहले अपने पति के साथ आपके घर ही जाऊंगी। इससे पहले मैं विदेश में अपने परिवार के साथ कहीं और कभी भी वैकेशन या जर्नी पर नहीं गई थी। मेरे पर्सनल फैसले पर कोई नफरत ना फैलाए, मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती हूँ। मैं उन लोगों का सम्मान करती हूँ जो मुझे मेरा काम बिना जबरदस्ती के करने देंगे। संजना गलरानी ने आगे लिखा, मैं नहीं चाहती कि मेरे धर्म चुनने के फैसले का मुद्दा बनाए और चर्चा करे, मेरे बारे में जजमेंटल हो या ओपिनियन दे। ना तो मैं या मेरा परिवार इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जन्म से एक हिंदू परिवार से आती हूँ। मैंने एक ईसाई स्कूल में पढ़ाई की है और मैंने स्कूल के दौरान 12 साल तक ईसाई प्रार्थना की है। फिर मैं इस्लाम से इंस्पायर हुई और मैंने अपने पति से शादी कर, जो एक मुस्लिम व्यक्ति है। डॉक्टर अजीज पाशा और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।